इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक के गलियारों तक सुशांत सिंह राजपूत के निधन से अब तक लोग सदमे में हैं। 34 साल की उम्र में सुशांत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 14 जून को अपने घर में सुशांत मृत पाए गए। सुशांत के निधन को लेकर बॉलीवुड कलाकारों के साथ साथ आम लोग भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अपनी जांच में डिप्रेशन के साथ साथ पेशेवर प्रतिद्वंदिता के आरोपों पर भी पुलिस गौर करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख खुद कहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है, सुशांत ने खुद अपनी जान ली। कथित तौर पर पेशेवर मुकाबले के कारण डिप्रेशन में थे। मुंबई पुलिस इस एंगल में भी मामले की जांच करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस मामले पर हर एक एंगल से जांच करने के आदेश पुलिस को दिए हैं और अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र साइबर सेल का बड़ा बयान सामने आ गया है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिन्हें लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सुशांत के शव की तस्वीर वायरल हो जाने के बाद फिल्मी सितारों से लेकर उनके चाहने वालों तक ने विरोध जताया और अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने इसका विरोध करते हुए कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने साफ तौर पर कह दिया है, सोशल मीडिया पर चिंताजनक ट्रेंड दिख रहा है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर को फैलाया जा रहा है, जो परेशान करने वाला और भद्दा है। साइबर सेल के हवाले से कहा गया है, ऐसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैलाना कानूनी गाइडलाइन और कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। महाराष्ट्र साइबर ने ऐसी तस्वीर को शेयर करने से परहेज करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है, जो फोटो पहले सोशल मीडिया पर फैलाई गई उसे तुरंत हटा दिया जाए। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस करीब 17 लोगों से पूछताछ करेगी। इन 17 लोगों में अंकिता लोखंडे से लेकर रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के कई करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हैं। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।